सो हाय एवरीवन, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जनपथ मार्केट का व्लॉग। मैं गई थी जनपथ और बिलीव मी बहुत ही अच्छी मार्केट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आप सिर्फ ज्वेलरी को फोकस करें तो ही जाएं। मतलब ऐसे कपड़े वगैरह ठीक लगते हैं, बट मुझे सरोजनी ज़्यादा बेटर लगा। बट हाँ, ज्वेलरी जो मैं लेकर आई मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ वहाँ का कलेक्शन। अभी मैं फ्रेश कलेक्शन ही दिखाती हूँ आपको। सो ये आप इयररिंग देख रहे हो, कितनी प्यारी है ये इयररिंग। ऑफिस पर्पज़ से मैंने ली है। सो इट इज़ जस्ट फॉर ₹50। एंड सेकेंड वन फिर मैंने ये इयररिंग ली थी, ये मैंने ऑफिस के लिए ही ली है। आप देख सकते हो काफ़ी प्रिटी है ये, तो ये भी मैंने ऑफिस के लिए ही ली है। सो इट्स ऑल्सो फॉर ₹50। एंड ये मुझे बहुत प्रिटी लगता है, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा। एंड ऑनलाइन भी मैंने देखा था इसको, बट ऑनलाइन मुझे बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। सो मैंने जनपथ में इसको देखा एंड फटाक से ग्रैब कर लिया। सो ये मुझे पड़ा था सिर्फ और सिर्फ ₹100 का। सो ये एंड ये मैं बात करूँ तो अभी मेरी एक ट्रिप आने वाली है, वो आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे, अभी मैं वो बताऊँगी। नहीं तो मैंने उस ट्रिप के लिए लिया है। एंड ये वहाँ पर ना एक सेल लगी हुई थी शॉप में कि सब कुछ वहाँ पर 50 में ही मिल रहा था, तो मैंने वही शॉप से इसको ग्रैब कर लिया फटाफट। और ये बहुत प्रिटी है, सो ये जस्ट ₹50 का है। और आपको पता होगा कि वहाँ पे गुजरती लेन है एंड बहुत कुछ है जनपथ में जहाँ पे हमें इस तरह के सामान भी मिल जाते हैं। सो मैं आपकी मूड बना के ही गई थी कि मुझे ये पर्स लेना है। एंड जैसे ही उन्होंने मुझे दिखाया, मुझे सबसे ज़्यादा ये प्रिटी लगा। उन्होंने मुझे एक पर्ल वाला भी दिखाया था, बट तो मैंने उसको ना ग्रैब करके इसको पिक किया कि ये मुझे बहुत प्रिटी लग रहा था। सो ये इससे छोटा भी था, बट मुझे बहुत छोटा नहीं लेना था एंड ये उससे बड़ा साइज़ था। तो इसका उन्होंने मुझे 650 बताया था, इसको मैंने लिया था फिर 450 में, जो छोटे वाले का प्राइस था। बट हाँ, बार्गेनिंग करके आप करवा सकते हो, बार्गेनिंग बहुत होती है, ये ध्यान रखना आप लोग। एंड इसके बाद हम आते हैं इस नेकलेस पे। बेसिकली ये नेकलेस मेरी फ्रेंड को पसंद आया था, उसने रोज़ गोल्ड कलर का लिया है, मैंने सिल्वर लिया है। सो ये उन्होंने 350 का प्राइस बताया था और हमने लगाया था इसका 200। बेसिकली मेरी फ्रेंड 250 बोल रही थी, बट मैंने उससे कहा कि नहीं छोड़, सिर्फ 200 बोलेंगे, अगर दे देंगे तो दे देंगे वरना हम छोड़ देंगे। तो हम इसको छोड़ के ही जा रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं 300 लास्ट लगेंगे, बट मैंने कहा कि नहीं 200 देने हैं, अगर देना है तो दो वरना फिर हम नहीं लेंगे। तो हमने फिर ये लिया, सॉरी मतलब हम बढ़ गए आगे, तो उन्होंने ना हमें आवाज़ लगाई कि नहीं नहीं आप ले लो, तो उन्होंने ये हमें 200 को दे दिया। तो ये मेरी एक बिग डील हो गई। तो ये मैंने लिया, तो मेरी फ्रेंड ने लिया था रोज़ गोल्ड कलर का, ये काफ़ी प्रिटी था। एंड अब मैं अगर बात करूँ जो वहाँ की स्पेशलिटी है कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने भैया से पूछा ये कितने का है, तो उन्होंने कहा कि ये ₹100 का है। एंड इसके साथ साथ उन्होंने एक इयररिंग दिखाती कि ये भी है इसी की सेट पर की, जो 50 की है। तो मतलब पूरा मुझे टोटल पड़ गया 150 का। और ये ना बहुत प्यारा है, जब मैं इसको मतलब स्टाइल करूँगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। एंड यस, इट इज़ सो क्यूट, आई मस्ट से ये बहुत प्यारा है। बट ये मतलब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हाँ ये गले का है, चोकर है, जिसको आप कहीं भी जाओगे अगर बीच वगैरह पे तो अच्छे से पेयर कर सकते हो। सो बहुत ही प्रिटी है ये। एंड नेक्स्ट जो मुझे बहुत पसंद आया, तो ये चूड़ियाँ थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। इसका प्राइस था 100 ईच, बट ये मैंने 4 ली थी सिर्फ 300 में। ये थी मेरी शॉपिंग फ्रॉम जनपथ मार्केट। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कमेंट मी।